Yes, students, in this chapter, working of institutions, we have discussed about the organs. Okay, institutions. Institutions means like I have told you that government of our country is a set of people, okay, that make laws, implement and interpret the constitution. And according to this, institutions, further, we can divide organs into three parts. Clear? Three organs. First, legislature. Second, executive. Third, जुडिशरी. क्लियर? इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं बेटा? इंस्टीट्यूशंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शंस. सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन द कंट्री एंड दीज अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस. यानी कि किसी कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए, गवर्न करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स बनाए जाते हैं. इन अरेंजमेंट्स को क्या कहा जाता है? इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, तो ये जो है इनको गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड करता है? Constitution. Whatever has been written in the constitution, these organs work according to that. Okay. So, in the chapter, first of all, we will understand what is the meaning of government. हम कर रहे हैं working of institutions. It means that is the legislature, executive, judiciary is the government. ठीक है, ये organs of government हम कर रहे हैं. तो government क्या होती है बेटा? Government is the set of people. ठीक है, सेट ऑफ पीपल मतलब इसमें एमपीज भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, जजेस भी हैं. ठीक है, और सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस. तो गवर्नमेंट इज द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, दे हैव पावर टू मेक लॉस. लेजिस्लेचर का मतलब होता है मेक. लेजिस्लेचर मीन्स बनाना. एग्जीक्यूट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना. और जुडिशरी का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना. सो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्स. गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है. किसको एडमिनिस्टर करती है? सिटीजंस को. सुपरवाइज करती है रिसोर्सेज को. और इस तरह से हमारी कंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्मूथली रन करती है विद अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, लेजिस्लेचर क्या होती है? लेजिस्लेचर का मीनिंग, लेजिस्लेचर इज द असेंबली ऑफ पीपल. यानी कि ये क्या है? लेजिस्लेचर मीन्स जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, दैट इज असेंबली ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है कि जो एमपीज हैं उनको किसने इलेक्ट करके भेजा? लोगों ने. तो वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं. ठीक है, एंड दे हैव पावर टू मेक द लॉज. इनके पास क्या पावर है? कंट्री के लिए लॉज बनाना. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नए टैक्स लगाना या बजट या ऑर्डिनरी बिल पास करवाना. तो ये सारा जो है वो किसमें होता है? लेजिस्लेचर में होता है. देन एग्जीक्यूटिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव क्या है? दैट इज इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिनके पास क्या अथॉरिटी है? टू इंप्लीमेंट मेजर पॉलिसीज. ठीक है, मेजर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने की इनके पास अथॉरिटी है. ठीक है, एंड वट एवर दे आर मेकिंग पॉलिसीज दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो भी कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है. देन नेक्स्ट इज जुडिशरी. जुडिशरी क्या होती है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन टू एडमिनिस्टर जस्टिस. लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स. लीगल डिस्प्यूट्स का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी तरह से कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो जुडिशरी जजेस उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं. एंड इसके अलावा पनिश दोज हु वायलेट्स लॉ. यानी कि जो लॉज जो बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनको वायलेट करते हैं तो उनको ये पनिश करते हैं. तो दैट इज ऑल अबाउट द जुडिशरी सिस्टम ऑफ आर कंट्री. ठीक है, तो ये हैं थ्री ऑर्गन्स. लेजिस्लेचर मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव एनफोर्स, एनफोर्स करता है या फिर एग्जीक्यूट करता है. जुडिशरी क्या करती है? दैट सॉल्व द डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स जो है वो कंट्री के सॉल्व किए जाते हैं. ठीक है, देन
इन आर कंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज देयर. पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पार्लियामेंट हैज टू हाउसेस. पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री. इन आर कंट्री लोकसभा एंड राज्यसभा इज देयर. लोकसभा इज द पॉपुलर हाउस एंड डायरेक्ट हाउस. राज्यसभा इज द इनडायरेक्ट हाउस. ठीक है, तो हमारी कंट्री में क्या है? प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री. दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म. ठीक है, लेकिन कई कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. प्रेसिडेंशियल का मतलब जैसे यूएसए, वहां पे प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल. प्रेसिडेंट के इलेक्शन वहां पे डायरेक्ट होते हैं. दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, फाइनल लॉ मेकिंग अथॉरिटी वहां पे यूएसए में प्रेसिडेंट के हाथ में है. तो दैट इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन हमारी कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं दैट इज द हेड ऑफ द स्टेट. लेकिन गवर्नमेंट के हेड कौन है? गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज अ रियल हेड ऑफ द कंट्री. ऑल द डिसीजंस ऑफ द प्रेसिडेंट फंक्शंस आर टू बी एडवाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? क्यों इनका अलग अलग होना बहुत जरूरी है? क्यों इनको सेपरेट किया गया? व्हाई ऑल द इंस्टीट्यूशंस हैव बीन सेपरेटेड? इनको अलग अलग क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि हर जो पार्ट है, चाहे लेजिस्लेचर है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी है, ये अपनी अपनी ड्यूटीज जो है वो खुद परफॉर्म करें और ये एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह से इंटरफेरेंस ना करें. एंड जब पावर्स को डिवाइड किया जाता है, वर्क को डिवाइड किया जाता है, तो वर्क और ज्यादा एफिशिएंटली होता है. ठीक है, यस, मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग लेट, अदरवाइज आई विल नॉट जॉइन 9:10. ट्राई टू लॉग इन एट 9. मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग लेट. ठीक है, सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हेल्प इन फॉर्मुलेशन. हेल्प इन फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने में हेल्प करते हैं, एंड ट्राई टू कंट्रोल द अदर इंस्टीट्यूशन टू बिकम अ डिक्टेटर. इनमें से ये सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस है. चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन डिक्टेटर नहीं बन सकता. ठीक है, हर एक को हटाने का, रिमूव करने का जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया. ठीक है, सो इन इंस्टीट्यूशंस का, इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों इनको अलग अलग बनाया गया है? नंबर वन, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द पीपल. लाइक लेजिस्लेचर जो वेलफेयर स्कीम्स बनाती है, ये इंप्लीमेंट करते हैं, ये सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं. हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना अलग अलग फंक्शन है जो ये प्रॉपरली जो है वो परफॉर्म करते हैं. देन लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया कोई भी लॉ, इसको चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट. तो ये सिटीजन्स को पावरफुल जो बनाता है, सिटीजन्स को जो राइट्स दिए गए हैं उनको पावरफुल बनाता है. इफ एनी फंडामेंटल राइट ऑफ पर्सन इज वायोलेटेड देन दे कैन अप्रोच टू जुडिशरी. सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं. तो इसका मतलब है कि तीनों अलग अलग जो हैं, अगर इनमें से कोई भी अपनी पावर्स को मिसयूज करता है या इफ दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देन दे कैन बी चैलेंज. उनको चैलेंज किया जा सकता है एंड कैन बी रिमूव. और अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारी कंट्री के डेमोक्रेटिक सेटअप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं और इनको डिक्टेटरशिप बनने से रोकते हैं. ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट. सबसे पहले पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा इज इनडायरेक्टली. काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं. इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट जो की जब हम बात करते हैं तो दोनों ही हाउस आते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? ऑब्वियसली नंबर वन, लॉ मेकिंग फाइनल अथॉरिटी है, इसका काम ही लॉ बनाना है. तो वी नीड पार्लियामेंट फॉर मेकिंग लॉज. अगर पार्लियामेंट ना होती तो लॉज कौन बनाता कंट्री के? ठीक है, सो पार्लियामेंट हैज अ पावर टू मेक लॉज फॉर द कंट्री. नंबर टू, वी नीड पार्लियामेंट टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव. पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर्स. ठीक है, तो वी नीड पार्लियामेंट टू कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव. पार्लियामेंट क्या करती है? एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करती है, प्लस एज वेल एज पार्लियामेंट आल्सो कंट्रोल ऑन द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बाय पार्टिसिपेटिंग इन द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन. कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? पार्लियामेंट कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर
and ministers regarding their departments, and MPs can ask any question regarding the working of judges, and they can participate in the impeachment. Impeachment ka matlab hota hai procedure through which judges of Supreme Court and High Court can be removed. ठीक है? Then we need Parliament to control finance. हमारी कंट्री के जितने भी मनी बिल हैं, बजट हैं, वो पार्लियामेंट पास करवाती है. तो वी नीड पार्लियामेंट टू कंट्रोल द बजट, कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ आवर कंट्री. हमारी कंट्री के मोस्टली जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को बिल्स के द्वारा पास करवाया जाता है, और ये मनी बिल्स या बजट जो है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट इज द हाइएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन. हमारी कंट्री के जितने भी मेजर इशूज हैं, आप लाइव टेलीकास्ट देखते हो लोकसभा का, ऑल द इम्पॉर्टेंट discussions, debates held in the parliament, and all the ministers, opposition party, majority party, prime minister, they participate isme. Country mein jo bhi major issues hote hain, inko Lok Sabha mein proper discuss kiya jata hai, aur unke basis ke upar bill pass karwaye jate hain, naye naye law bante hain. To ek tarah se hum keh sakte hain ki hamari country ki parliament jo hai, wo puri country ko represent karti hai, kyunki isme jitne bhi MPs hain, wo alag alag areas, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की जो नीड्स हैं, उनको एक्सपेक्ट करती हैं. सो दैट्स व्हाई वी नीड पार्लियामेंट इन आवर कंट्री. देन पावर्स एंड फंक्शंस. पार्लियामेंट के पावर्स, फंक्शंस, आपने जो पावर्स एंड फंक्शंस लिखनी है, इनको प्रॉपर हेडिंग्स में लिखना है. ठीक है, अलग अलग लाइन्स में नहीं लिखोगे, हर हेडिंग को आगे आपने सब पार्ट में लिखना. ठीक है, तो पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं, कुछ वर्ड्स याद करो. नंबर वन आपने बताना है लेजिस्लेटिव. नंबर टू एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग. एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव. थर्ड इज अमेंडमेंट. अमेंडमेंट से रिलेटेड पार्लियामेंट की पावर क्या है? अमेंडमेंट. Then, इसके बाद फाइनेंशियल. फाइनेंस से रिलेटेड इसकी क्या पावर्स हैं? फाइनेंशियल. देन जुडिशियल. जुडिशरी से रिलेटेड इनकी क्या पावर्स हैं? ऐसे वर्ड से याद रखो जुडिशियल, और उसके बाद इनको एक्सप्लेन करना है आपको. ठीक है, एक्सप्लेन भी वन लाइन में नहीं करना, इनको प्रॉपर आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है. ठीक है, सो नंबर वन, व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द लेजिस्लेटिव. Legislative means law making. So Parliament can make laws according to the list. इसमें हमने क्या बताना है? List system. There are four lists in the Constitution: center list, state list, concurrent list, and residuary list. And according to these lists, different governments can make laws. ठीक है? तो Parliament जो है, वो कौन सी list के according law बना सकती है? Center list. ठीक है, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिड्यूरी लिस्ट. क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जिनके ऊपर पार्लियामेंट का मेन फंक्शन या पार्लियामेंट के लॉज बनाना जरूरी होता है. ठीक है, देन एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में हमने बताना है कि पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के ऊपर कंट्रोल कैसे करती है? बाय आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन आर, एंड वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, इसमें हमने बताना है दैट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दे कैन आस्क questions regarding any department from ministers and prime ministers. This makes them answerable. And second, आपने बताना है by passing vote of no confidence against ministry. यानी कि इनके against अगर ये satisfy नहीं होते हैं, तो ये इनके against vote of no confidence pass करते हैं, जिससे क्या होता है? इनको resign करना पड़ता है. ठीक है, तो it means ये क्या करते हैं? Government पे control करती है. ठीक है, parliament. Then amendment. Constitution का वैसे तो पूरा part change नहीं हो सकता, लेकिन काइंड ऑफ एक्ट या कुछ काइंड ऑफ, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे शेड्यूल्स जो है वो चेंज हो सकते हैं. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कभी चेंज नहीं हो सकता, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज. और इसके लिए क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट इज वोटिंग ऑफ टू थर्ड मेजोरिटी. टू थर्ड मेजोरिटी मतलब दोनों ही हाउस, अलग अलग, लोकसभा की अलग, राज्यसभा की अलग. ठीक है, जब दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के रिगार्डिंग वोटिंग कर देंगे, then we can say that part of the constitution can be amended or changed. ठीक है, then financial powers. financial powers में हमने क्या बताना है? budget या money bill.
without the approval of parliament, without the sanction of parliament, money bill can't be passed, ordinary bill can't be passed, budget can't be passed. So they needed majority voting. Voting होती है तो ही budget pass होता है. So it means कोई भी नया tax लगाना है, पुराने tax को खत्म करना है, तो that is the approve that for that we need approval from the parliament. ठीक है. Then next is judicial powers. Judicial powers का मतलब क्या होता है कि MPs जो हैं वो किस किस को post से हटा सकते हैं. ठीक है. Judicial powers, they can participate in the impeachment of a president. जुडिशियल में हमने बताना है कि वो प्रेजिडेंट की इम्पीचमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है, इम्पीचमेंट. इसके अलावा कुछ इलेक्टोरल फंक्शंस भी हैं पार्लियामेंट के. सिक्स्थ आप कर सकते हो इलेक्टोरल फंक्शन, इलेक्शंस. इलेक्टोरल का मतलब होता है किसके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं पार्लियामेंट. MPs can take part in the elections of President, Vice President. MPs of Lok Sabha, they can elect their Speaker. वो अपना Speaker भी elect करते हैं, Deputy Speaker. ठीक है. So these are the functions of Parliament. And इसमें से फिर आपने बताना है, out of these two, Lok Sabha is more powerful. ठीक है. Why Lok Sabha is more powerful? अदर देन राज्यसभा, तो इसके लिए आपको लोकसभा राज्यसभा के अलग अलग जो है डिफरेंस जो है वो क्लियर होना चाहिए. अब जब हम डिफरेंस करते हैं दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, तो इट मींस लोकसभा इज अ डायरेक्ट हाउस, राज्यसभा इज द इनडायरेक्ट हाउस. लोकसभा हाउस जो है दैट इज टर्म इज 5 years. राज्यसभा के जो MPs होते हैं उनकी टर्म कितनी होती है? 6 years. लोकसभा जो है ये हमारी कंट्री के जितने भी MPs हैं, दीज आर डायरेक्टली इलेक्टेड. लेकिन राज्यसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते, दीज आर इलेक्टेड बाय द MLAs. लोकसभा में ओनली 2 members कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन राज्यसभा में 12 members कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स लाइक मैथ, साइंस, सोशल सर्विस और फॉरन अफेयर्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स. ठीक है. टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर 545, उनमें से 543 इलेक्टेड हैं, 2 नॉमिनेटेड हैं. राज्यसभा में कितने हैं? 250 हैं, 238 इलेक्टेड हैं एंड 12 आर नॉमिनेटेड. ठीक है. और अगर एज की बात की जाए तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एज रिक्वायरमेंट कितनी है? 25 years, और राज्यसभा का बनने के लिए 30 years. ठीक है. और लोकसभा के जो मेन प्रिजाइड ओवर करते हैं उनको बोलते हैं स्पीकर. राज्यसभा को जो मीटिंग्स को प्रिजाइड ओवर करते हैं वो कौन होते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री. ठीक है. तो इसके बाद फिर हम करेंगे कि दोनों हाउसेस में से पावरफुल क्यों है, लोकसभा क्यों पावरफुल है. नंबर वन, जितने भी बिल्स हैं ना, मनी बिल्स और बजट, सबसे पहले हमेशा कहाँ पे जाएगा? लोकसभा में. नंबर वन, लोकसभा की ये पावर है कि कोई भी बिल, चाहे वो मनी बिल है या बजट है, वो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा. ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में जा सकता है. तो ये लोकसभा की फर्स्ट पावर है. मनी बिल एंड बजट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. ठीक है. नंबर टू, इफ लोकसभा पासेस द बिल एंड दिस बिल गोज इन द राज्यसभा, देन राज्यसभा कैन डिले द बिल फॉर 14 days. राज्यसभा सिर्फ डिले कर सकती है 14 days के लिए. लेकिन 14 days के बाद अगर राज्यसभा बिल लोकसभा में नहीं भेजती है तो वो अपने आप पास माना जाएगा. ठीक है. ये याद रखना है कि लोकसभा अगर बिल पास कर देती है फिर वो राज्यसभा के पास जाता है. राज्यसभा कैन कीप द बिल, डिले द बिल फॉर 14 days. और अगर राज्यसभा में बिल पास नहीं होता है तो अल्टीमेटली वो बिल पास माना जाएगा. या फिर अगर राज्यसभा उस बिल में कुछ सजेशंस करके भेजती है तो उन सजेशंस को मानना या ना मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है. तो लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस. ठीक है. तो ये हो गया लोकसभा की दूसरी पावर. थर्ड है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दोनों हाउस में से सिर्फ लोकसभा में ही जो है वो होता है, क्योंकि लोकसभा में ही मेजोरिटी और माइनॉरिटी होती है. तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा लोकसभा में ही होता है. एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन आर. क्वेश्चन आर का मतलब होता है जिसमें ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी से क्वेश्चनिंग कर सकती है. क्वेश्चन आर भी राज्यसभा में नहीं होता, किसमें होता है? लोकसभा में होता है. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि लोकसभा में जो MPs हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं, क्योंकि लोकसभा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजोरिटी पार्टी एंड ऑपोजिशन. मेजोरिटी पार्टी होती है, दूसरी तरफ होती है ऑपोजिशन. लेकिन राज्यसभा में कौन होते हैं? राज्यसभा
स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा को बोलते हैं अपर चैम्बर, लोकसभा को बोलते हैं लोअर चैम्बर, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है प्रेसिडेंट की पावर्स। अब प्रेसिडेंट की पावर्स जो है उसमें मेन आपने क्या बताना है, प्रेसिडेंट की जितनी भी पावर्स हैं, ऑल द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी यूज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनकी टर्म कितनी होती है, 5 ईयर्स, और इनके इलेक्शंस के जो है, कौन इनको इलेक्ट करता है, इनको इलेक्ट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं, एमपीज ऑफ लोकसभा, एमपीज ऑफ राज्यसभा एंड ऑल द एमएलएज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, दे कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। देन इनकी जो एज रिक्वायरमेंट कितनी है, 35 ईयर्स। 35 प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज हमारी कंट्री में कितनी होती है, 35, ठीक है। तो रिमूवल, इनको रिमूव करने के लिए, रिमूव करने का प्रोसेस क्या होता है, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है, दैट वोटिंग इन द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय 2/3 मेजोरिटी, ठीक है। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के वो सारे सेम हेडिंग्स वैसे ही आएंगे जब हम प्रेसिडेंट के फंक्शंस करेंगे। प्रेसिडेंट के फंक्शंस में नंबर वन एग्जीक्यूटिव, देन नंबर टू लेजिस्लेटिव, हेडिंग सेम ही है उनके अकॉर्डिंग हमें बताना है। देन थर्ड इज फाइनेंशियल, फोर्थ इज इलेक्टोरल, फिफ्थ इज जुडिशियल एंड सिक्स्थ है इमरजेंसी। इमरजेंसी पावर्स, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं। तो आपने बताना है दैट कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द इलेक्शंस, व्हाटसोएवर पार्टी, व्हिचएवर पार्टी गेट्स हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और इस तरह से प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं एंड देन गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द लिस्ट ऑफ अदर मिनिस्टर्स। फिर प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, बाकी मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं और उसके बाद उनके ऊपर फाइनल सिग्नेचर किनका होता है, प्रेसिडेंट का, ठीक है। और इस तरह से एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड जो उसकी पावर्स, क्लियर। देन इज लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव में हमने बताना है लॉ मेकिंग क्या पावर्स, बिल्स के रिगार्डिंग, दैट एनी बिल कैन बिकम एक्ट only with the sanction, approval or signature of the president. Number two, president can delay bill if and he can keep the bill with him and he can take the advice from the judges of Supreme Court and the High Court. ठीक है, ये हम legislative में बता सकते हैं। Then, फिर हमने बताना है कि nomination powers हों legislative में, that he can nominate 2 members in the Lok Sabha and 12 members in the Rajya Sabha. ठीक है, तो ये हो गए इनकी लेजिस्लेटिव। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में आपने मनी बिल और बजट का मेन स्पेशली बताना है कि मनी बिल जो है सबसे पहले अगर पार्लियामेंट में सैंक्शन होता है तो उसके लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए। बजट तभी जो है अप्रूव होगा जब उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, ठीक है। और हमारी कंट्री में जितने भी बिल्स हैं या जो भी मनी है, गवर्नमेंट जो है जितना भी खर्चा करती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्चा करती है, ये सारे जो है वो मनी बिल्स प्रेसिडेंट की सैंक्शन के बिना इनमें से एक भी जिसे हम कहते हैं रूपी नहीं निकाला जाता। तो गवर्नमेंट कांट स्पेंड इवन अ सिंगल रूपी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसका मतलब है ये कंट्री में प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स हैं, जो पूरे फाइनेंस, जो पूरा फंड है उनको कंट्रोल करते हैं। देन इलेक्टोरल, इसमें इलेक्शंस बताना है कि प्रेसिडेंट किन किन का इलेक्शन कर सकते, किन किन के अपॉइंटमेंट्स करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, देन एम्बेसडर्स, गवर्नर्स, सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर एंड
फॉर दैट ही कैन टेक एडवाइस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देन जुडिशियल में आपने बताना है दैट ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द फोर्सेस. ठीक है, ही कैन चेंज डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इंप्रिजनमेंट. ठीक है, देन ही कैन आल्सो डिक्लेयर सम एमरजेंसी पावर्स. एमरजेंसी के लिए आपने आर्टिकल्स बताने हैं. थ्री आर्टिकल्स आर देयर. आर्टिकल सबसे पहले 352 मतलब नेशनल एमरजेंसी, जब पूरी कंट्री में एमरजेंसी डिक्लेयर होती है. देन 356 फाइनेंशियल एमरजेंसी, सॉरी स्टेट एमरजेंसी, पर्टिकुलर स्टेट में होती है, स्टेट में प्रेजिडेंट रूल लगता है. देन थर्ड इज फाइनेंशियल एमरजेंसी. फाइनेंशियल एमरजेंसी जो होती है ये पर्टिकुलर कब लगती है, जब हमारी कंट्री की रुपी वैल्यू डाउन हो जाए या गवर्नमेंट के पास फाइनेंस नहीं है, मनी नहीं है, तो लोगों के खर्चे को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए केवल फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा दी जाती है ताकि लोग खर्चा ना करें. क्योंकि गवर्नमेंट के पास मनी नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है वो सर्कुलेशन ऑफ मनी, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि सोसाइटी में मनी सर्कुलेशन बढ़े. और इसमें फिर क्या किया जा सकता है, कुछ जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो सैलरीज है उनको कुछ देर के लिए जो है वो रोका भी जा सकता है अगर गवर्नमेंट के पास फंड नहीं होता है. तो दैट इज ऑल अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट. देन आ जाओ प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर की पावर्स एंड फंक्शंस, पहले अपॉइंटमेंट. प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इलेक्शंस के द्वारा. लोकसभा के इलेक्शंस में विच एवर पॉलिटिकल पार्टी गेट्स हायर नंबर ऑफ वोट्स, द लीडर ऑफ दैट पार्टी इज इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड देन दे प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, तो नंबर वन फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट तैयार हो जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो मिनिस्ट्री जो है वो डिवाइड कर दी जाती है. फिर उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीन तरह के मिनिस्टर्स होते हैं. नंबर वन कैबिनेट, नंबर टू मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, देन थर्ड डेप्यूटी मिनिस्टर्स. इनमें से नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो कैबिनेट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इनका नंबर सबसे कम होता है, 25-30 कह लो. देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स 50-60 हो सकते हैं. देन डेप्यूटी होते हैं असिस्टेंट, ये होते हैं इंडिपेंडेंट लेकिन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स. ये भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं लेकिन इनके पास होते हैं लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स. डेप्यूटी का मतलब होता है इनके पास इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट नहीं होते, इनको इनके साथ या इनके साथ असिस्ट कर दिया जाता है ताकि इनको मिनिस्टर बनने का एक्सपीरियंस हो. ठीक है, और इस तरह से जो है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, ही इज अ चेयरमैन ऑफ कैबिनेट. नेक्स्ट फंक्शन क्या बताओगे, ही इज अ चेयरमैन ऑफ कैबिनेट एंड ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट. प्रेसिडेंट और कैबिनेट के बीच में लिंक है. कैबिनेट की जो भी डिस्कशन होती है प्रेसिडेंट को बताते हैं और प्रेसिडेंट के साथ जो भी डिस्कशन होती है वो कैबिनेट के साथ शेयर करते हैं. देन ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ लोकसभा. प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के भी लीडर हैं. लोकसभा में जितने भी बिल पास होते हैं, ठीक है, उनको ऑर्डिनरी बिल है चाहे मनी बिल है चाहे बजट है, वो सारा पास करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, प्राइम मिनिस्टर की. प्राइम मिनिस्टर को हर एक बिल को थॉरली रीड करना पड़ता है ताकि कोई भी बिल जो है वो गलत पास ना हो जाए. देन चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये क्या है, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को जितनी भी अपॉइंटमेंट्स है. देन इसके बाद फॉरेन अफेयर्स, फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज. अपनी कंट्री को फॉरेन सेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, फॉरेन में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं हमारी कंट्री में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं. देन लीडर ऑफ द पार्टी आल्सो. प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी के भी लीडर हैं. ठीक है, वो अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्शंस के टाइम पीरियड में अपनी पार्टी की प्रमोशन के लिए रैलीज वगैरह में भी वो स्पीचेस देते हैं. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं इनकी और यूएसए के प्रेसिडेंट को कंपेयर करें तो सेम, दोनों सेम पावरफुल हैं. बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड बोथ आर आंसरेबल. दोनों ही आंसरेबल हैं, दोनों की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है. हम अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को हमेशा ईगर होते हैं सुनने के लिए रिगार्डिंग एनी इंपॉर्टेंट इशूज. और आए दिन हम प्राइम मिनिस्टर की स्पीचेस टेलीविजन पे देखते हैं कि वो कंट्री के लिए या इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग क्या डिसीजन ले रहे हैं. हम बहुत रेयर है जो अपनी कंट्री के प्रेजिडेंट को सुनते हैं क्योंकि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मेनली जो है वो एक तरह से क्या है, ही एक्ट एज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड द प्रेसिडेंट. वो लोगों के और प्रेसिडेंट के बीच में एज अ लिंक जो है वो काम करते हैं. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों मिलकर क्या बनते हैं, एग्जीक्यूटिव.
इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और जो भी अनाउंसमेंट्स, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं, वो मेन प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री के द्वारा करवाई जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, दैट इज जुडिशरी। जुडिशरी में हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कॉमन पॉइंट सेम है, ओरिजिनल केसेस, जो केसेस इनके पास डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। अपेलेट केसेस, जिनकी पहले अपील, अपील का मतलब क्या होता है, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं तो हम कहेंगे कुछ केसेस पहले हाई कोर्ट के पास आएंगे, सिविल एंड क्रिमिनल, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं अपेलेट। थर्ड इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि जितने भी केसेस हैं इनको रिकॉर्ड करके रखते हैं वो। फोर्थ इज प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड फिफ्थ हमने बताना है कि जुडिशियल रिव्यू, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए लॉज को ये रिव्यू करने के लिए भी कह सकते हैं, और ये पावर जो है दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। तो ये हमारी कंट्री की जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है, दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। क्लियर? वेट फॉर वन मिनट बेटा।